नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख जाएंगी। पहली तस्वीर है यूपी की राजनीति से जुड़ी और दूसरी तस्वीर है आम जनता से जुड़ी। ये दूसरी तस्वीर भयावह है, जहां मौसम की मार लोगों पर ऐसी पड़ी कि कई लोगों की जान चली गई। पहले बात पहली तस्वीर की कर लेते हैं। आपको याद होगा कि सपा अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। लेकिन वो कहते हैं ना जनाब, है तो इंसान ही, कब अपनी बातों से मुकर जाएं, ये राजनीति में नया नहीं है। हमारे देश में ये बेहद मामूली सी बात है कि आज आप कुछ बोलते हैं और कल आपका बयान कुछ और होता है। खैर, अखिलेश जी के पिताजी यानी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा ली है, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोरोना टीका को बीजेपी की वैक्सीन बता चुके अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि हम भी टीका लगवाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह से ये घोषणा करी है कि वो टीका लगवाए। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सकते थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अब अखिलेश का यूं बदल जाना ना जाने किस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जो भी है वैक्सीन जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी दूसरी तस्वीर की। देखिए, देश कोरोना से तो जूझ ही रहा है, साथ ही साथ मौसम की मार भी झेल रहा है, चाहे वो यास तूफान हो या फिर ताउते। वहीं मॉनसून के आगमन की वजह से पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो गई है। सोमवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और मराठवाड़ा में कई जगह भारी बारिश हुई, जिसके बाद आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के बाराबंकी में सोमवार शाम तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। यहां तूफान से एक घर की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और ये बुजुर्ग महिला थी। दीवार गिरने से कई मवेशी भी मर गए, कई जगह पेड़ गिर गए और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। झारखंड में बिजली के गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे ज्यादा जो तबाही मची वो पश्चिम बंगाल में। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो आज की ये बड़ी मुख्य खबरें थी, और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खबरें दिखाना है।